स्ट्रेच हो। इसके लिए हमें बहुत से एक्सरसाइज करना पड़ता है। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, एक से लेकर सिक्स पार्ट तक हमने बताया था कि लेग स्ट्रेचिंग किस तरह करते हैं। उसके अलग अलग हमने एक्सरसाइज आपको बताया था। इस वीडियो में भी हम आपको बताने वाले हैं कि लेग स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं। किक के द्वारा हम वॉल का सपोर्ट लेंगे और अपने किक को ज्यादा से ज्यादा उठाने की कोशिश करेंगे और किक करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा लेग ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच हो जाए और किक अच्छे से हो जाए। तो आपने देख लिया होगा थंबनेल में कि हमने किस तरह वॉल सपोर्ट किक किया था। तो बने रहिएगा, मैं मुना कुमार उस आपको आज मैं बताने वाला हूँ वॉल सपोर्ट किक। तो बने रहिएगा मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टच कर लें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन इस वीडियो का मिलता रहेगा। तो आइए अब हम स्टार्ट। तो वॉल सपोर्ट किक करने के लिए सबसे जरूरी है थोड़ा सा लेग को स्ट्रेचिंग कर ले, हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग कर लेंगे ताकि हमारा किक करने में प्रॉब्लम ना हो और हमारे पैरों में इंजरी ना हो। किक करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने किक को जितना ज्यादा धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप ऊपर हम कर सकते हैं करेंगे। तो सबसे पहले हम धीरे धीरे यानी कि वॉल की मदद से करना है, ताकि हमें इधर उधर गिरे ना और ज्यादा से ज्यादा हाइट में अपना किक ले जाएंगे। की तरफ हम किक करेंगे, ताकि हमारा लेग अच्छे से पीछे की तरफ भी हमारा स्ट्रेच हो जाए। देख लीजिए एक बार किस तरह हम करेंगे। पीछे की तरफ दीवार को पकड़ लिए तो हम पीछे करेंगे, वन बाय वन कर रहे हैं। बैक का भी हो गया और फ्रंट का भी हो गया। अब हम साइड के लिए करेंगे। साइड डायरेक्ट हम अपने
पैरों को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच करेंगे और उठाएंगे और स्पीड से करेंगे ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा हाइट में हमारा किक उठ सके। जब हम किक को ऊपर की तरफ करेंगे हम ज्यादातर इधर झुकने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा हाइट में पहुंचे किक। अब लेग को चेंज कर लेते हैं। अब हम लेग को चेंज कर लेंगे, हाथ यहाँ रख लेंगे। आप भी अपने घर में वॉल हो या कोई कुछ भी जिसे खंभा भी गड़ा हो उसको पकड़ के कोई चीज की एक सहायता लेकर आप अपने किक को हाइट में आप प्रैक्टिस एवरीडे आप कीजिएगा तो हो जाएगा ठीक। मेरे पास वॉल है तो वॉल की सहायता से कर रहे हैं क्योंकि हर जगह वॉल मिल जाएगा आसानी से, सबके घर में कवर करेंगे। इस तरह हमारा ये वॉल सपोर्ट किक करने से फायदा ये होता है कि हमारा तेजी के साथ हम जब हम करते हैं ऐसे तो हमारा स्ट्रेचिंग ज्यादा से ज्यादा खुलता है। जैसे अभी हम इस किक बैक पे अगर हम हायर किक करना चाहेंगे जैसे ये देखिए तो हमारा हाइट इतना ऊपर गया। अगर हम इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें तो हमारा हाइट ऊपर तक जाएगा। इसलिए जैसे अभी इसको कर रहे हैं तभी लग रहा है गिर जाएंगे नीचे, डर लग रहा है हम गिरने करते हैं तो गिरने लगते हैं। इसलिए वॉल का हमने सपोर्ट लिया ताकि हम रोज प्रैक्टिस करेंगे तो गिरेंगे नहीं। ये देखिए जब हमारे पास प्रैक्टिस होता है यानी कि वॉल को पकड़ के हम कोई चीज करते हैं तो ज्यादा हाइट से कर सकते हैं। अगर आपको जब ये कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप डायरेक्ट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे लेग स्ट्रेचिंग के लिए और कौन सा एक्सरसाइज करेंगे इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तो ये मेरा 7 पार्ट्स था, तो 8th पार्ट के लिए तैयार रहिए और बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर। आपको ये अगर वीडियो से आपको लाभ हुआ या आपको ये अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टच कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन इस तरह मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओस